झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर तमाम बातें मीडिया के समक्ष रखी है। जिस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, जो एसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया है, इसको लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने अपनी बातों को रखा। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ऐसी एजेंसियों में कहीं ना कहीं सरकार जो है कार्रवाई करती हुई नजर आती। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले गायब होते हैं, लापता होते हैं और जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि वो जंग जीत गए हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। राज्य के अंदर में भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहां तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं नियुक्ति के भी ये लूट है एक प्रकार से, इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। भाई देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों में चुनाव होता है, क्या कहते हैं कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन चार वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, चार वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। आप तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकते, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा के लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है, यानी झारखंड के बच्चों के साथ भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, वो फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ, और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं, और आप इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और आप तो हद हो गया कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे, जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है। और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है, ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितना किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। कब तक ये भागेंगे,
और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते इनको एक दिन होटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे और कई एक दिनों तक भागे रहे, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद अंत भी क्या हुआ, उसकी अंत की परिणति, वो भी आप सब लोगों को पता है। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय कोई क्या बोलते है मोदी जी नहीं थी और अमित शाह जी भी नहीं थे। उस समय तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में ये खुद मंत्री थे और वहां से भाग करके, और बाद में मनमोहन सिंह बेचारे इधर उधर देख रहे कहां है, खोज रहे हैं, ये तो फरार। और फिर बाद में उनको जाना ही पड़ा, क्या बोलते उसको, ससुराल कहिए या जाना ही पड़ा। तो मैं कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आज ये कहा कि भाई हमारी आंदोलन तो चल ही रहा है शुरू से, आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को अपनी जगह पर हम लोग नहीं पहुंचा लेते। क्योंकि झारखंड के भविष्य का सवाल है, झारखंड के बच्चों का सवाल है और झारखंड को करप्शन मुक्त झारखंड बनाने का सवाल है। और इसके लिए लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लड़ी जाएगी। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।